अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है नर्व इम्पल्स पार्ट टू, और इसमें हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसे स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वो क्लियर है तो फिर आप आसानी के साथ इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला लेक्चर स्टडी कर लें, उसके बाद फिर आप एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देख लीजिएगा। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हमारी बॉडी में स्टिमुलस और एक ख़ास किस्म का स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, उसका होना ज़रूरी है। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के ऊपर सम टाइम मच्छर बैठ जाता है, बैक्टीरिया बैठे होते हैं, या इस तरीके के कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनकी मौजूदगी से आगाह नहीं होते। इसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको परसीव नहीं कर सकती, ले नहीं सकती। तो किसी भी नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस की ज़रूरत होती है, जैसे किसी हाथ या उंगली का गर्म चीज़ को टच कर जाना, हमारे जिस्म में किसी चीज़ सुई वगैरह का चुभ जाना, ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। तो थोड़ा सा एक जनरल व्यू कर लेते हैं। हमने देखा था कि ये हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सॉन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हमने देखा था बाहर की तरफ मोर पॉजिटिव होती है, अंदर की तरफ मोर नेगेटिव होती है। अगर हम उसको फिर मज़ीद बड़ा करके देखें तो बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर की तरफ पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं। हमारी मेम्ब्रेन पोटाशियम आयन के लिए परमीएबल होती है और पोटाशियम आयन बाहर चले जाते हैं और बाद में सोडियम पोटाशियम पंप उनको वापस अंदर लेकर आता है। ऐसी हालत में जो वोल्टेज होता है उसे हम -70 mV कहते हैं, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। जब हमारे हाथ में मौजूद या जिस्म के किसी भी हिस्से में मौजूद नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो उनके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। ये जो नर्व इम्पल्स का जनरेट होना है ये चार्जेस की वजह से होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उनके अक्रॉस जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे डिस्टर्ब होते हैं वो देखते हैं। तो ये मेरे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि मैंने न्यूरॉन से निकाली हुई है। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सोडियम पोटाशियम पंप होता है जो एटीपी की मदद से चलता है और सोडियम आयन को बाहर से अंदर अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और बाहर से सोडियम आयन को अंदर लेकर आता है ताकि दोनों तरफ जो चार्जेस हैं वो बरकरार रखें। और एज़ यू नो दैट के हमारे जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर पॉजिटिव आयन की मिकदार ज़्यादा होती है, नेगेटिव आयन की मिकदार कम होती है, इसलिए बाहर पॉजिटिव आयन होते हैं, अंदर जो हैं वो नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव आयन की मिकदार कम होती है। गो कि उसमें पोटाशियम आयन काफ़ी सारे होते हैं लेकिन अंदर जो है वो ओवरऑल जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। सोडियम पोटाशियम पंप के अलावा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ गेट्स भी लगे होते हैं जिन्हें पोटाशियम गेट्स और सोडियम गेट कहा जाता है। तो ये मेरे पास एक सोडियम गेट है, ये मेरे पास एक पोटाशियम गेट है। तो ये जो गेट्स हैं ये एक तरह के चैनल्स हैं, रस्ते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इम्परमीएबल होती है ऑल आयन्स सवाए पोटाशियम आयन के, लेकिन जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच कर जाता है या सुई चुभ जाती है तो हमारी बॉडी को एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिलता है। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस के नतीजे में हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, उसकी जो परमीएबिलिटी है उसमें इजाफा हो जाता है। परमीएबिलिटी किस में इजाफा होता है? सोडियम की। उसके नतीजे में जो सोडियम आयन है क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ होती है वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब वो अंदर की तरफ आना शुरू होते हैं तो एज़ यू नो दैट के अंदर जो हैं वो नेगेटिव आयन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव आयन कम होते हैं। जब वो सोडियम आयन अंदर की तरफ ज़्यादा आते हैं तो क्या होता है कि अंदर की तरफ चार्जेस जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो ज़ीरो तक चला जाता है। उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये जो सोडियम गेट है ये भी ओपन हो जाता है। ये जो सोडियम गेट है ये एक तरह का चैनल है जिसके ज़रिए बाहर से सारे सोडियम आयन जो हैं वो अंदर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में डीपोलराइजेशन हो जाती है।
डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। चार्जेस रिवर्स होने का मतलब ये है कि अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है और बाहर की तरफ जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। अब दोबारा इसको देख लें, स्टिमुलस मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पर स्टिमुलस मिल रहा है, पूरी बॉडी नहीं, किसी एक जगह पर, हाथ है, उंगली है, पाँव है, आँख है, कान है, किसी भी जगह पर जहाँ पर भी स्टिमुलस मिलेगा वहाँ पर सोडियम की परमीबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं, उनकी परमीबिलिटी की वजह से वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, अंदर की तरफ मूव होने से जो सोडियम गेट है थोड़े अरसे के बाद वो भी खुल जाता है और सारे सोडियम एन गेट जो हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकल कर अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर आपको पता है पोटाशियम आयन भी मौजूद हैं, क्लोराइड आयन भी मौजूद हैं, लेकिन सोडियम आयन अब आगे हैं तो पोटाशियम और सोडियम मिलकर पॉजिटिव आयन की मकदार को बढ़ा देते हैं। अंदर की तरफ जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, बाहर की तरफ जो है वो नेगेटिव आयन की ज़्यादा मकदार होने की वजह से वो नेगेटिव हो जाता है। इस अमल को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, बाहर जो है वो नेगेटिव हो गया है, अंदर जो है वो पॉजिटिव हो गया। जैसे ही कंडीशन पैदा हो जाती है तो एक नर्व इम्पल्स जो है वो चेंज चलना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वो जहाँ से गुजर जाती है तो यहाँ पर मौजूद जो पोटाशियम गेट हैं वो खुल जाते हैं। जब पोटाशियम गेट खुलते हैं तो पोटाशियम आयन आपको पता है अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मूव करके वापस बाहर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है। सोडियम आयन गेट जो है वो उस वक्त तक बंद हो चुके होते हैं जबकि पोटाशियम गेट जो है वो खुल जाते हैं। जब पोटाशियम गेट खुलते हैं तो सारे पोटाशियम आयन जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा होती है, वो सारे बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा रीपोलराइजेशन की शक्ल में आ जाती है और दोबारा जो मेम्ब्रेन है वो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव में चली जाती है। अब क्योंकि जो चार्जेस हैं वो सारे रिवर्स हो चुके हैं, सोडियम जो है वो अंदर आ चुके हैं, पोटाशियम जो है वो बाहर चले जा चुके हैं, नर्व इम्पल्स जो है वो गुजर चुकी है, उसके बाद फिर हमारा जो पोटाशियम पम्प है, ATPase पंप है, वो काम करना शुरू कर देगा। ये फिर क्या करेगा, ये बाहर से पोटाशियम को पकड़ेगा और उनको अंदर लेकर आएगा और अंदर से सोडियम को पकड़ेगा और उनको बाहर लेकर जाएगा ताकि दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसे मेंटेन किया जा सके। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। नर्व इम्पल्स जो है अगर इस कंडीशन में हो कि जब बाहर पॉजिटिव हैं और अंदर नेगेटिव हैं, अगर इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको मेजर करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो +50 mV जो है वो हमें करंट शो होगा। अगर हम इसको एक ग्राफ की शक्ल में देखें तो ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें मेरे पास टाइम है, एक तरफ मैंने लिया हुआ है मिली सेकंड में और दूसरी तरफ मिली वोल्ट की शक्ल में मैंने वोल्टेज लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया हुआ है। तो सबसे पहले जब सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ आते हैं तो डीपोलराइजेशन हो जाती है। डीपोलराइजेशन के नतीजे में जो -70 V से करंट है वो ऊपर +50 mV में चला जाता है। उसके बाद पोटाशियम गेट खुल जाते हैं और पोटाशियम आउट चले जाते हैं जिससे रीपोलराइजेशन हो जाती है और जो करंट है वो दोबारा नीचे आ जाता है और -70 V पे चला जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए हाइपर रीपोलराइजेशन हो जाती है जिससे ग्राफ नीचे चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दोबारा जब पोटाशियम और सोडियम और पोटाशियम पंप आयन को दोबारा अपनी जगह पर भेज देते हैं तो दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस जगह पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और यहाँ पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्लियर हो जाती है। जैसे जैसे फिर नर्व इम्पल्स जो है वो गुजरती चली जाती है, वहीं पर उस जगह पर जो है वो नर्व इम्पल्स एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जब वो एक जगह से गुजर जाती है फिर वहाँ पर दोबारा नर्व इम्पल्स जो है वो पैदा हो जाती है। एक दफ़ा जब नर्व इम्पल्स पैदा हो जाती है तो थ्रेशल्ड स्टिमुलस की मकदार बढ़ाने से नर्व इम्पल्स की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को टच कर रहा है तो जो आपको फीलिंग हो रही है वही फीलिंग जो है वो आपको हर वक्त रहेगी जब तक आपका हाथ जो है वो जलता रहेगा, नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती रहेगी। इसी तरीके से अगर किसी जगह पर पेन हो रही है और पेन के नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन में जा रही है तो उसकी जो शिद्दत है वो उतनी ही एक ही वक्त में न्यूरॉन के अंदर से गुजरती चली जा रही है। बाकी माइलिनेटेड न्यूरॉन और जिनके ऊपर माइलिन शीथ लगी होती है वो न्यूरॉन ज़्यादा तेज़ी के साथ नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं और ऐसे न्यूरॉन जिनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है वो भी ज़्यादा स्पीड के साथ नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आज हमने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको स्टडी किया है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।